एंड वेलकम टू माई चैनल। इस सीरीज में हम जितनी भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको वीडियोज पसंद आती हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू सपोर्ट। सो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये एक पहली बात तो क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वाजाई जुडिशियल बॉडी? मतलब वो बॉडी जिसके पास पावर्स जो हैं वो सेम है जितनी की कोर्ट्स के पास होती है, बट ये कोर्ट नहीं है, ठीक है, पावर्स द सेम है बस। सो दिस इज अ क्वाजाई जुडिशियल बॉडी। उसके अलावा स्टैचुटरी बॉडी है। नाउ व्हाट इज मीन बाय स्टैचुटरी बॉडी? कोई भी बॉडी जो किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई, दैट इज अ स्टैचुटरी बॉडी। और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया किस एक्ट के थ्रू बनाया गया है? दैट इज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 एंड इट एज अमेंडेड इन 2007। तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन एक्ट जो है वो 2002 का है, तो एस्टैब्लिश ये हुई थी 2003 में, और फुली ऑपरेशनल या फंक्शनल कंपनी 2009 में। उसके अलावा जो इसका प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा था? MRTPC, ठीक है। सो प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन वॉज MRTPC। इसका मतलब क्या है? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन। और ये जो है 1969 में बनाई गई थी, और हमें पता है 1991 में हमारे पास LPG रिफॉर्म्स हो गए थे हमारी कंट्री में, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उस जब वो LPG रिफॉर्म्स आए तो ऑब्वियसली ये जो कमीशन थी ये रिडंडेंट हो गई, मतलब इसका कोई, बिकॉज मोनोपोलीज के लिए है तो हम प्रमोट कर रहे थे मोर कॉम्पिटिशन, सो ये रिडंडेंट हो गई ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया और कॉम्पिटिशन एपिलेट ट्राइब्यूनल बनाया, ठीक है, जो कैट है, कॉम्पिटिशन एपिलेट ट्राइब्यूनल, वो हम आगे की वीडियोज में डिस्कस करेंगे। सो अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन देखें, कॉम्पोजिशन में वी हैव वन चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर्स जो कि अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और चेयरपर्सन की जो मैक्सिमम एज है दैट इज 65 ईयर्स ऑफ एज। तो ये याद रखना है फैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अभी न्यूज में क्यों है? बिकॉज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है दैट हैज बीन सिलेक्टेड टू होस्ट द ICN कॉन्फ्रेंस। हम ये जो ICN है दैट इज इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क, ये भी आगे वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो कॉन्फ्रेंस है वो इस बार कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है, सो दैट इज वाई इट इज इन न्यूज। फंक्शंस, अगर हम फंक्शंस की बात करें कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो नाम से पता है एक तो जो भी एडवर्सली अफेक्ट करेगा इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन को, यानी कि जो भी ट्राई करेगा मोनोपोली करने की या कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करने की, तो उनको ये पेनालाइज करेगा। तो बेसिकली एलिमिनेट करना है उन प्रैक्टिसेस को जो कि एडवर्सली अफेक्ट करे कॉम्पिटिशन को, ठीक है। और सेकेंड क्या हो सकता है? जो बिजनेसेस हैं उनको ऑब्वियसली इंस्पायर करो कि फेयर रहें और कंपेटिटिव रहें, ताकि इससे जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर कोई भी नेगेटिव असर ना पड़े। तो बेसिकली कंज्यूमर के वेलफेयर को एनहांस कराना है, ठीक है। और कंज्यूमर के वेलफेयर को अगर एनहांस कराना है तो इनको मतलब ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, अवेयरनेस भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एक और फंक्शन है कि पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करता है और ट्रेनिंग इम्पार्ट करता है ऑन द कॉम्पिटिशन इशूज। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंश्योर करना, इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट करना। उसके बाद अगर कोई भी स्टैचुटरी बॉडी, ठीक है, इसके पास रेफरेंस लेके आती है कि हमें इस इशू के ऊपर आपकी ओपिनियन चाहिए, तो ये उसको ओपिनियन भी दे सकता है। सो इट कैन गिव ओपिनियन टू एनी स्टैचुटरी बॉडी ऑन द कॉम्पिटिशन इशूज। इसके अलावा जो मैंने कैट की बात की थी, कॉम्पिटिशन एपिलेट ट्राइब्यूनल, उसको भी सजेशन और एडवाइस कर सकता है। और जो कॉम्पिटिशन एक्ट है जो 2002 वाला, उसमें एक्विजिशंस, मर्जर्स और अमेलगमेशंस की बात भी की गई है। तो ऑब्वियसली जो CCI है वो कॉम्पिटिशन एक्ट को ओवरसी करती है। तो जितने भी एक्विजिशंस, मर्जर्स और अमेलगमेशंस हैं उनको वो देखेगी कि कुछ ऐसा ना हो कि कार्टलाइजेशन हो या मतलब नेगेटिवली अफेक्ट करे मार्केट को, सो दीज ओवरसी इट। सो अगर कार्टलाइजेशन की बात की है, सो वी विल सी कि वॉट इज अ कार्टल। कार्टल क्या है? बेसिकली कोई भी एक सिंगल एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन मैं बोलूं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट
बिजनेसेस या कंट्री से बनी है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि अलग अलग जो बिजनेसेस या कंपनीज जो है वो इकट्ठी आ जाती हैं ताकि वो प्राइसेस को अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर पाए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है अगर बहुत सारी कंपनीज होंगी तो कंपटीशन भी उतना ही होगा, तो कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए वो सब इकट्ठे हो जाते हैं ताकि वो सप्लाई को भी रेगुलेट कर पाए और अल्टीमेटली जो प्राइजेज हैं उनको अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर पाए, यानी कि दे एक्ट एज अ सिंगल प्रोड्यूसर, ठीक है। और सिंगल प्रोड्यूसर एक्ट करने के बाद वो क्या करेंगे, प्राइसेस को अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट, यानी कि ज्यादा, ऑब्वियसली ज्यादा ही करेंगे प्राइसेस। तो ये जो है कंपटीशन के लिए किसी भी इकोनॉमी में अच्छा नहीं है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसलिए भी न्यूज में रहता है बिकॉज इट इम्पोजेस पेनालिटीज ऑन सच कंपनीज, ठीक है। जो भी कार्टेलाइजेशन को प्रमोट करेंगे उनको पेनालिटीज उनके ऊपर ये लगाता है। नेक्स्ट है, ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, उन्होंने बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो बहुत तीन उन्होंने ये दिए थे तो अच्छे हैं, इनको थोड़ा लर्न कर लेना। कि एलोकेटिव एफिशिएंसी होनी चाहिए, एलोकेशन नाम से पता चल रहा है कि रिसोर्सेज की एलोकेशन जो है वो इफेक्टिवली होनी चाहिए। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, अगेन नाम से पता चल रहा है प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन दैट शुड बी एफिशिएंट। तो प्रोडक्शन एफिशिएंट कब होगी, जब मिनिमम कॉस्ट होगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, और प्लस जो क्वालिटी है वो एकदम बढ़िया होनी चाहिए, तभी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आएगी। एंड लास्ट इज डायनेमिक एफिशिएंसी। तो डायनेमिक एफिशिएंसी जो है वो है कि हमें इनोवेटिव प्रैक्टिसेस जो हैं वो प्रमोट करनी है। तो इस वाली वीडियो में इतना ही, आई विल कंटिन्यू विद द सीरीज, एंड प्लीज प्लीज सपोर्ट द चैनल इफ यू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।